एंटरप्राइज डीलर्स एसोसिएशन बिहार के द्वारा अपने मांगों के समर्थन में शुक्रवार को पटना में बिहार विधानसभा के घेराव का बरसोई के डीलरगण ने समर्थन किया तथा कहा कि हम एसोसिएशन के साथ है। इसको लेकर संघों में बरसोई के पीडब्ल्यूडी मैदान में बैठक की तथा कई प्रस्ताव भी लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डीलर आफताब ताज ने कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, जिसको लेकर हमारा एसोसिएशन आज विधानसभा का घेराव कर रहा है और हम लोग उनके समर्थन में यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 55,000 डीलर हैं, परंतु सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। उन्होंने कहा कि हमने पूरा कोरोना काल में मुफ्त का राशन बांटा, परंतु उसका मजदूरी भी हम लोगों को नहीं मिला। आगे उन्होंने कहा कि डीलर के भी परिवार और बाल बच्चे हैं और वह भूखे मर रहे हैं, परंतु उसका सोचने वाला कोई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सभी डीलर को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए तथा अथवा 30,000 रुपए मानदेय और 300 रुपए प्रति क्विंटल मेहनताना तथा नापने वाले को 15,000 रुपए प्रति महीना मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही अनुकमा सीमा को समाप्त करने एवं अन्य मांगों को लेकर हमारा एसोसिएशन विधानसभा का घेराव कर रहा है। बोलिए, आज का बैठक का क्या उद्देश्य है? आज का बैठक का उद्देश्य है जो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन पूरे बिहार का बिहार विधानसभा का घेराव है और हम लोग किसी कारणवश जा नहीं पाए। हमारे बारसोई से भी कुछ डीलर गए हैं, लेकिन बारसोई की धरती से हम लोग डीलर एसोसिएशन का भरपूर सहयोग करते हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग धरना प्रदर्शन इस तरह से करते रहेंगे। और स्थानीय स्तर पर क्या है आप लोग का? हमारे मुद्दे हैं जो हमारे मानदेय लागू हो और दूसरा जो हमारे मार्जिन मनी है अब तक अगला साल का भी नहीं मिला, इस साल भी हम लोग फ्री मेहनत किए उसका भी अब तक मुआवजा मिला नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि डीलर का जो सम्मानजनक जो हमारी मांग है 30,000 रुपये और जो नापतोल करता है उसका 15,000 रुपये और अनुकंपा का जो एक सीमा है उसको निरस्त किया जाए। ये सारी मांगें हम लोग लेकर आज बिहार विधानसभा का घेराव कर रहे हैं डीलर संघ। हमारे बारसों में जो डीलर संघ था वो अब तक जो देखा गया है किसी भी मैटर पर आगे बढ़ के काम नहीं करते हैं, इससे पता चलता है कि कमेटी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसलिए आज हम लोग नए सिरे से उस कमेटी को निरस्त करते हैं और अगला कमेटी के चुनने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। फिर अगला समय जैसे हम लोग बनाएंगे तारीख उसके बारे में आप सबको बता दिया जाएगा, सभी डीलर को बता दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफताब ताज, जिला परिषद प्रतिनिधि 25। 11 मार्च 2022 को रखा गया था, इसमें सभी डीलरों ने आकर जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं ने आकर अपना बैठक में मौजूदगी रहे और सभी की मौजूदगी में सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जो पुरानी अध्यक्ष या जो भी थे सभी को निरस्त किया गया है। अब अगला बैठक के लिए जो है अगली तिथि रखा जाएगा, उसके बाद एक चुनाव होगी, चुनाव के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी चीज़ों का चुनाव में जो होंगे उसके बाद उसका एक सफल नेतृत्व किया जाएगा। आज जो विधानसभा का जो घेराव करने के लिए कुछ जन वितरण प्रणाली के विक्रेता पटना पहुंचे हुए हैं और अगली कार्रवाई के लिए जो हमारी समस्याएं हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे आज FCI गोदाम के द्वारा जो खाद्यान्न को उपलब्ध कराया जाता है जो बिना मापे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को मिलती है, भोजन में भी बहुत कमी रहती है, इस सब व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की आहूत किया जाएगी। क्या नाम हो आपका? राकेश कुमार। बरसोई से हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट।